बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चूल्हे को अभी बिल्कुल मीडियम पे किया, पलटेंगे। आंच को मैंने बिल्कुल लो पे कर दिया है क्योंकि शुरू में तो बहुत ज़्यादा तेज़ था ना, अभी हमने लो पे कर दिया है। अच्छा, अभी हम इसको निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, हुसैन अहमद आपके साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम बनाएंगे आपके लिए ऐसे खूबसूरत और यमी डोनट्स। तो ये डोनट्स कैसे बनते हैं और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। आगे जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको ऐसी खूबसूरत वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। जब भी कोई काम शुरू कीजिएगा तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू कीजिएगा। तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये उबले हुए आलू ली है, तकरीबन 6 दाने। ये बॉल चाहिए और ये, और इसको अच्छी तरीके से कद्दूकस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो, इस तरीके से हम सारे आलू को ऐसा बारीक कद्दूकस करेंगे, ठीक है। आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है इस तरीके से। ये अभी ये बिल्कुल नरम कद्दूकस हो गए हैं। तकरीबन एक दरमियाने साइज का प्याज मैंने लिया था, इसको भी मैंने कद्दूकस किया और इससे मैंने पानी बिल्कुल नचोड़ा है। सबसे पहले हम ज़ीरा शामिल करेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काली मिर्च को शामिल करेंगे, लाल मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नमक भी चला गया। अच्छा, ये प्याज है ना, इसको मैंने कद्दूकस किया, इसका पानी मैंने निकाला है। ये प्याज भी चला गया। तो बेसन भी 2 चम्मच इस्तेमाल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 चम्मच बेसन चला गया और ये फाइन आटा भी 1 चम्मच। ये हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरा धनिया भी चला गया, इतना काफ़ी है। पुदीने के पत्ते और हरी मिर्चें, ठीक है। 1 अदद अंडा तोड़ेंगे। अच्छा, इसको अभी हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी दौरान हम इसमें ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तकरीबन 4 से 5 चम्मच मैंने ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल किया। अभी हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो अभी हम इसको फ्रिज में रखेंगे, आधा घंटे के बाद ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा जम गया है, ठीक है। 2 अदद अंडे मैंने पैन करके रखी है, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च शामिल की है। हाथों पर थोड़ा सा घी या ऑयल लगाएंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसको अभी इधर से उठाएंगे और ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर अभी लगाएंगे। अच्छा, तो इसी तरीके से हम सारे तैयार करेंगे। अभी इसको इधर रखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सारे डोनट्स तैयार करेंगे। अच्छा, एक और भी मैंने बनाया, ठीक है। अभी इसमें ऐसा सुराख करेंगे, ठीक है। सुराख हो गया,
अच्छा इसके ऊपर अंडा। इसी तरीके से हमने सारे डोनट्स तैयार किए हैं, अभी हम इसको फ्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि ये फ्राई किस तरीके से होता है। ठीक है, घी में फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे को अभी बिल्कुल मीडियम पे किया क्योंकि ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। पलटेंगे, आंच को मैंने बिल्कुल लो पे कर दिया है क्योंकि शुरू में तो बहुत ज़्यादा तेज़ था ना, अभी हमने लो पे कर दिया है। ठीक है, अच्छा एक और भी शामिल करेंगे इसमें। अच्छा ये पांचवा पीस भी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अभी हम इसको निकालेंगे। अच्छा तो अभी हम इसको प्लेट में निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोनट्स तैयार है। अच्छा तो ज़बरदस्त डोनट्स तैयार है। आप भी इस रमज़ान के महीने में ऐसे डिलिशियस और यमी डोनट्स बनाइए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई हुसैन अहमद को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम एंड खुदा हाफिज़।